मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक मैरिज गार्डन में अचानक भीषण आग लग गई। आगजनी के दौरान पास के मैरिज गार्डन में शादी समारोह चल रहा था। ऐसे में गार्डन में मौजूद सभी लोग बाहर सड़क पर निकलने को मजबूर हो गए। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगजनी में 15 लाख से ज्यादा कीमत के सामान के जलकर खाक होने की आशंका जताई गई है। वहीं आग लगने के पीछे पटाखे के जरिए सिलेंडर में आग लगना या शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। जैसे ही हम लोगों को आनंद नगर सब स्टेशन पर सूचना मिली कि निर्मल वाटिका में आग लगी है, और हम लोग सूचना मिलते ही तत्काल गाड़ी लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोगों को देखा कि यहाँ पे आग बहुत ज़्यादा जोरों से लगी हुई थी, और हम लोगों के द्वारा आग को तत्परता से एक गाड़ी पानी फायरिंग करके बुझाया गया, और उसके बाद हमारे द्वारा बाड़ा सब स्टेशन को फोन लगाया गया तो उनकी भी गाड़ी यहाँ पे उपस्थित हो चुकी थी। पता नहीं भैया, जब तक आए जब तक तो लग चुकी थी आग, जब तो बहुत तेज लग चुकी थी, जब तक आए हैं सब लोग जब तक तो लग चुकी थी। अब कैसे लगी है, पास में प्रोग्राम था या तो फटाके से लगी है, नहीं शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं हुआ, बिना उसके कैसे कह देंगे, जब तक अपन पता नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़। तो बगल वाले गार्डन में प्रोग्राम भी था, बारात चढ़ी है उनकी, या तो कोई फटाके टाके से लग गई है, उस कुछ कह नहीं सकते हैं। कोटेश्वर मंदिर के सामने निर्मल वाटिका और परमार वाटिका है, दोनों पास में ही है। तो निर्मल वाटिका में अभी अज्ञात कारणों से आग लग गई है, फिर भी शॉर्ट सर्किट के द्वारा हुआ है, और फिर भी जाँच के बाद क्लियर हो पाएगा कि कैसे लगी है। और स्टेज है और पर्दे वगैरह जल गए हैं।